ऑन करता हूँ ये आ गई, बंद करता हूँ चली गई, ऑन करता हूँ आ गई, ठीक है। यानी कि एसी की ऑन ऑफ की तार हमारे पास ये है, और उसके अलावा दूसरी टक की तार जो होगी ये जनाब सीधी चलती है थर्मोस्टेट की एक वायर के ऊपर, और दूसरी वायर सीधा जाकर गाड़ी का हेड प्रेशर स्विच सीधा कंप्रेसर और फैन को ऑन करवाया इसने, इस तार ने, ठीक है। कहते जब इसके अंदर कूलिंग गाड़ी के अंदर मुकम्मल हो जाएगी, गाड़ी के अंदर जब कूलिंग मुकम्मल हो जाएगी, ये थर्मोस्टेट ने अपने टाइम पर आना है, तो इसने जब अर्थ को बंद करना है या कनेक्टर को बंद करना है, तो गाड़ी का एसी बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ट्रिपिंग के लिए लगाते हैं, एसी को ट्रिप करवाना हो तो इसलिए लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ये से होंगे, अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों एसी के बारे में वायरिंग, ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हालांकि मैं इस पर टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, हर चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह कंप्रेसर ऑन होता है। लेकिन इस वक्त गाड़ी के अंदर मैंने एक रिले इंस्टॉल की है, और इसके अलावा जनाब थर्मोस्टेट इंस्टॉल किया है, उन्हें आपको शेयर करता हूँ किस तरह क्या क्या चीज़ें चलती हैं, वो आप इस पर फोकस करें, ठीक है। कैमरे को मैं यहाँ पर फोकस कर लेता हूँ। टेस्टर मैंने लगाया अर्थ के ऊपर, ये देखें, इस वक्त मैंने एक रिले लगाई है चार तारों वाली, जिसके अंदर जनाब आपको पता ही है कि जब रिले के अंदर एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है जनाब, इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। लेकिन जनाब दो टाकी तारें आ गई, और इसके अलावा दरमियान वाली मेन आ गई, और इसके अलावा इसको मैंने आउटपुट दे दी। पहले नंबर पर जनाब टक वाली तारें क्या हैं, ठीक है। गाड़ी का जनाब ये है हमारा ऑन, ऑन ऑफ हो रहा है, यहाँ पर क्या सिस्टम आना है, हमें अर्थ मिलना है। जब हम गाड़ी का एसी बंद करेंगे तो ऑन करेंगे, ये हमें करंट ऑन ऑफ देगा, ठीक है, ऑन ऑफ की तौर में स्विचिंग की करंट देगा। यहाँ पर देखें कि इसको मैं टेस्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, अर्थ मिल रहा है, ठीक है। मैं एसी का बटन बंद करता हूँ, ये देखें एसी का बटन बंद किया, गाड़ी का एसी भी बंद हो गया, और इसके अलावा यहाँ से अर्थ भी चला गया, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें यहाँ पर ऑन करता हूँ ये आ गई, बंद करता हूँ चली गई, ऑन करता हूँ आ गई, ठीक है। यानी कि एसी की ऑन ऑफ की तार हमारे पास ये है, और उसके अलावा दूसरी टक की तार जो होगी वो हमने अर्थ करानी है, तो जारी सी बात है रिले ने ऑन होना है, ठीक है। जब रिले ऑन हो गई, इसके बाद हमारे पास एक मेन करंट है, जब मैंने इसको मेन दी तो ये आउटपुट जो रिले की आउटपुट निकलती है ना, इसको मैंने जनाब थर्मोस्टेट के साथ लगा दिया, इसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट, ठीक है। थर्मोस्टेट इसका जनाब, अगर हम एक तार इसकी उतारते हैं, ये जनाब सीधी चलती है थर्मोस्टेट की एक वायर के ऊपर, और दूसरी वायर सीधा जाकर गाड़ी का हेड प्रेशर स्विच सीधा कंप्रेसर और फैन को ऑन करवाया इसने, इस तार ने, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक लुपी उतार देता हूँ, मैं एक लुपी उतार दूँगा, ये लुपी नहीं उतरती तो मैं ये उतार देता हूँ। गाड़ी का एसी बंद हो गया, अब मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया, ये देखें, ठीक है। अब ये थर्मोस्टेट क्या काम करता है, आपको ये शेयर करवाते हैं कि अगर हम इसको करंट देंगे तो ऑलरेडी करंट निकालता रहेगा, ठीक है। जब हम इसको अर्थ देंगे ऑलरेडी ये अर्थ निकालता रहेगा, लिहाजा हमने करंट से ऑपरेट करवाया है, तो ये जनाब क्या करेगा कि जब इसके अंदर गाड़ी के अंदर कूलिंग कम्प्लीट हो जाएगी ना, गाड़ी के अंदर कूलिंग कम्प्लीट हो जाएगी, ये थर्मोस्टेट क्या काम करता है, इसकी मैंने वायरिंग आपको बता दी है। अगर हम इसको अर्थ देंगे तो ये अर्थ निकालेगा, अगर हम इसको करंट देंगे तो करंट निकालेगा, और आर टाइम करंट निकालता रहेगा और आर टाइम अर्थ निकालता रहेगा। ये कब ये जनाब थर्मोस्टेट अपनी जो ना करंट को बंद करेगा, ये तब करेगा कि जब इसके अंदर कूलिंग गाड़ी के अंदर मुकम्मल हो जाएगी, गाड़ी के अंदर जब कूलिंग मुकम्मल हो जाएगी, ये थर्मोस्टेट ने अपने टाइम पर आना है, तो इसने जब अर्थ को बंद करना है या करंट को बंद करना है, तो गाड़ी का एसी बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम ट्रिपिंग के लिए लगाते हैं, एसी को ट्रिप करवाना हो तो इसलिए लगाते हैं, अदरवाइज हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये थर्मोस्टेट है, ठीक है, एसी का थर्मोस्टेट, ये एसी को ऑन ऑफ करता है। हालांकि इसके अंदर एक जेन्युइन बेलो आती है, बेलो को ख़त्म करके हम थर्मोस्टेट लगाते हैं, ताकि हम हमारी गाड़ी का ना एसी बेहतर तरीके से चलना शुरू हो जाए, और ट्रिप भी करता है, और इसके अलावा चलता भी है। इसके अलावा रिले भी लगा दी है, ये एसी की वायरिंग है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इस चीज़ को आप लोगों ने फोकस करना है, ताकि जो लोग मेरे ताकि जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचानी है, ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो सके। इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।